अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 2021 की। ये दोस्तों 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला टैबलेट है और इसके अलावा इसमें 4/64 और 4/128 GB के साथ भी आते हैं। और ये टैबलेट जिसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये वाईफाई सपोर्टेड है, सिम सपोर्टेड नहीं है। इसमें आपको सिम सपोर्टेड टैबलेट भी मिल जाता है, LTE 4G सपोर्टेड होगा और सिंगल सिम आप वहां पर यूज़ कर पाओगे, लेकिन इसमें सिम नहीं चलेगी और वाईफाई सपोर्ट करेगा, वाईफाई आप यहां पर चला पाओगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा टैबलेट है, क्वालिटी कैसी आपको मिलती है, स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, एक्सेसरीज क्या मिलती हैं आपको और साथ में क्या प्राइस इसकी रखी गई है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ओके दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 का बॉक्स। यहाँ पर एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया है। कलर की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रे कलर है, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी टैबलेट, इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे, और यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज भी आपको मिलती हैं। सबसे ऊपर कुछ पेपर वर्क है, एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है यहाँ पर, और रेटिंग अगर बात करें तो 7.8 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रही है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा आपको मिल रही है यहाँ पर चार्जिंग केबल और टाइप सी वाली चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है इस टैबलेट के साथ में। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली, तो बिल्ड क्वालिटी की सबसे पहले बात करें तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड डिवाइस है, मेटेलिक बिल्ड आपको देखने को मिलती है। बैक साइड इसकी पूरी की पूरी मेटेलिक है और काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देती है। जब आप इसको मतलब पकड़ते हो हाथ में तो काफ़ी प्रीमियम सा फील आपको मिलता है इस डिवाइस के साथ। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है, माइक दिया गया है यहाँ पर, ऊपर की तरफ डुअल स्पीकर है, साथ में एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए भी आपको एक्स्ट्रा माइक मिल जाता है। इस साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है, सिम ट्रे तो नहीं कह सकते, माइक्रो एसडी कार्ड वाली स्लॉट है जिसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हो। इस साइड पे 3.5 mm का जैक है, डुअल स्पीकर अगेन यहाँ पर दिए गए हैं और टाइप सी की पोर्ट है। अब यहाँ पर आपको क्वाड स्पीकर दोस्तों मिल रहे हैं, दो स्पीकर एक साइड पे हैं और दो स्पीकर एक साइड पे हैं, मींस कि जो ऑडियो क्वालिटी है इस टैबलेट की वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। बैक साइड पे एक सिंगल कैमरा लगाया गया है, साथ में कोई LED फ्लैश नहीं है और एक कॉर्नर पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। और फ्रंट साइड पे भी आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि बेजल्स में है। चारों तरफ आपको जो है ना काफ़ी बड़े साइज के बेजल्स देखने को मिलते हैं। तकरीबन 80% के करीब जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको मिलती है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 में। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 10.5 इंच का TFT डिस्प्ले लगाया गया है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है और ब्राइटनेस जो है वो ठीक ठाक आपको मिल जाती है, आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक आपको मिलेगी और काफी अच्छी तगड़ी ब्राइटनेस यहाँ पर आपको मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 में। इसमें दोस्तों सैमसंग का One UI 3.0 यूज किया गया, एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। और कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रियर में आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 8 MP का है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 MP का लगाया गया है। क्वालिटी की अगर बात करें तो रियर कैमरा जो है वो डिसेंट सी परफॉर्मेंस आपको दे देता है, इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उसकी भी नहीं मुझे लगी है, डिसेंट सी नॉर्मल सी परफॉर्मेंस देगा। और जो फ्रंट कैमरा है 5 MP का, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार सी है। कॉल वगैरह के लिए, वीडियो कॉल मीटिंग वगैरह के लिए ठीक है, अच्छी आपको जो वीडियो कॉल वगैरह करा देगा, लेकिन अगर आप इमेजेस वगैरह कैप्चर करते हो, तस्वीरें बनाते हो फ्रंट कैमरा से, तो इतनी अच्छी डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा। डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो और मोर में अगर आए तो मोर में आपको प्रो, पैनोरोमा, फूड और हाइपर लैप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 720 और 1080 में आप 30 FPS के साथ जो है वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमराज के हवाले से नॉर्मल है, इतने ज़्यादा कोई हाई लेवल के कैमराज यहाँ पर नहीं है, बस ये है कि कैमराज आपको साथ में मिल रहे हैं, रियर और फ्रंट दोनों कैमरास की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यूनिसॉक का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया और अकॉर्डिंग टू Antutu एप्लीकेशन इसका नाम है यूनिसॉक UMS 512 माली G52 के GPU के साथ है। यहाँ पर Antutu स्कोर की अगर बात करें तो 1,80,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको यहाँ पर मिलता है और इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने, इसको आप जो है कंपेयर कर सकते हो। इस टैबलेट में दोस्तों 7040 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, बड़ी बैटरी है, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी और साथ में 7.8
8 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलती है। चार्जर भी आपको 7.8 वॉट का देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, क्वाड स्पीकर आपको मिलते हैं। तो एक बार साउंड क्वालिटी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैसी साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पर मैं ऑडियो चला लेता हूँ। क्वाड स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं और काफ़ी अमेजिंग साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है इस टैबलेट में। तो ओवरऑल दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त टैबलेट लगा मुझे। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़े साइज़ के टैबलेट हैं। और वेट में आपको बताना भूल गया, इसका जो वेट है ना तकरीबन 500 ग्राम के करीब वेट है। तो थोड़ा सा हैवी आपको फील होगा क्योंकि बड़ा साइज़ है और मेटेलिक बिल्ड है, तो 500 ग्राम तो बनता ही है वेट। तो 500 ग्राम का टैबलेट है, बाकी सॉलिड है और अच्छा लगा मुझे। मतलब प्रीमियम सा एक टैबलेट आपको मिल जाता है। प्राइसिंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्राइसिंग आपको दोस्तों ये जो टैबलेट 3GB 32GB वाला वाईफाई वाला, इसकी जो प्राइसिंग है वो है 45,999 रुपये और डिस्काउंट के बाद अराउंड 40,000 के करीब आपको जो है ये मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, 464 वाला भी है, 4128 वाला भी है, सिम वाला भी है, सिर्फ वाला भी है। तो सबकी जो प्राइसिंग है वो डिफरेंट होगी, आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहते हो उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 की। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।